गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोगों का टॉपिक चल रहा है सैलरीज, और उसमें हमने कल एचआरए के बारे में पढ़ा था, हाउस रेंट अलाउंस, जो कि कर्मचारियों को वेतन के साथ मिलता है, जिसका कुछ हिस्सा करयोग्य होता है। वो किस कौन सा हिस्सा करयोग्य होगा और कौन सा करमुक्त होगा, वो निकालने के लिए जो कैलकुलेशंस थी वो मैंने कल आपको बताई थी, ठीक उसी तरीके से। उसके आगे हम पढ़ेंगे ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी क्या होती है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। ये वो पारितोषिक होता है जो सेवानिवृत्ति पर नियोक्ता से कर्मचारी को मिलता है। कर्मचारी द्वारा नियोक्ता को अपने सेवा काल में दी गई सेवा को पारितोषिक रूप में सेवानिवृत्ति पर यह राशि मिलती है। तो जो ग्रेच्युटी की जो राशि होती है, उस पर कर लगाने के संबंध में कुछ प्रावधान हैं, लेकिन ग्रेच्युटी की राशि केंद्र सरकार, राज्य सरकार व स्थानीय सत्ता तथा सुरक्षा सेवा में लगे कर्मचारियों को अगर मिलती है, तो ये ग्रेच्युटी की राशि पूर्णतया कर मुक्त होती है। ठीक है, तो इनके अलावा जो बचते हैं कर्मचारी, यानी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सत्ता या सुरक्षा सेवा में लगे कर्मचारियों के अलावा अगर कोई अन्य कर्मचारी हैं, तो ये ग्रेच्युटी आपको, ग्रेच्युटी का कुछ हिस्सा कर मुक्त होगा और कुछ हिस्से पे कर लगेगा। तो जिस तरीके से कल तीन बिंदु मैंने आपको बताए थे कि आपको तीन अलग अलग किस्तें निकालनी है, उसके बाद उनमें से जो न्यूनतम किस्त होगी, जो न्यूनतम राशि होगी, वो आपकी छूट की राशि होगी, बचे हुए पे आप बची हुई राशि पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो ठीक उसी तरीके से ग्रेच्युटी में भी पॉइंट्स हैं, किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे मैं आपको बताती हूँ, और आगे जो भी पॉइंट्स आएंगे अलग अलग, उन सब में आपको कभी तीन कभी चार अलग अलग राशियाँ किस्त अलग अलग राशियों के अमाउंट निकालने पड़ेंगे और उसमें से न्यूनतम को चूज़ करना पड़ेगा। तो आप लोग जब सैलरी के नोट्स बनाएं तो उसमें एक एक पॉइंट एक टेबल वाइज बनाएं। टेबल में आप एक नाम लिख दें, फर्स्ट पर्टिकुलर में तो पर्टिकुलर में नाम लिख दें, उसके बाद जो तीन छूट की राशियाँ, तीन या चार जो आपके छूट की राशियाँ होती है वो लिख दें, फिर आप सैलरी लिख दें, क्योंकि हर पॉइंट के लिए सैलरी अलग अलग होती है, हर एक कंडीशन के लिए सैलरी के मायने अलग होते हैं। तो हम आइए देखते हैं किस तरीके से लागू होते हैं। तो ग्रेच्युटी दो, आप ग्रेच्युटी मिलने की जो राशि है उसको दो भागों में विभाजित किया हुआ है, एक तो है ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 और दूसरे हैं जो इनके अलावा के हैं, यानी कि जो कर्मचारी जिनको ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के अंतर्गत मिलती है, उनकी कैलकुलेशन अलग होगी, और जो अन्य हैं जो बचे हुए हैं उनकी अलग होगी। तो आइए देखते हैं, देखिए आपको मैंने बता रखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट पॉइंट, ग्रेच्युटी अकॉर्डिंग टू ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट 1972, यानी कि ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972। तो इसमें भी आपको तीन किस्तें निकालनी पड़ेंगी। ये पहली देखिए, ए 15 डेज सैलरी फॉर ईच ईयर ऑफ सर्विस, यानी जितने भी साल कर्मचारी ने काम किया है उसके लिए 15 दिन का वेतन। अब यहाँ पे फिर शब्द आया है वेतन, तो ये सैलरी यहाँ अलग होगी, वो क्या होगी मैं आपको बाद में लास्ट में बताती हूँ। दूसरी 20 लाख रुपए, अधिकतम 20 लाख रुपए की राशि, यानी ये 29 मार्च 2018 से रूल लागू हुआ है, इससे पहले ये 15 लाख रुपए था। नेक्स्ट, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, यानी वास्तविक राशि प्राप्त, यानी कर्मचारी को ग्रेच्युटी की जो वास्तविक राशि प्राप्त हुई है, अब इन तीनों में से जो सबसे न्यूनतम राशि होगी वो कर्मचारी के लिए छूट की राशि होगी। तो देखिए आगे एक बात और लिखी हुई है, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में लिखा था ईच ईयर ऑफ सर्विस, ईच ईयर ऑफ सर्विस, अब कर्मचारी कई बार काम करता है, जैसे उसने काम किया 25 साल 6 महीने, 25 साल 4 महीने, तो जो संपूर्ण ईयर हैं, जो उन्होंने कंप्लीट, जो ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, जिनके 12 महीने पूरे हो गए, जैसे 24 ईयर 25 ईयर, वो तो पूरे होंगे, लेकिन कई बार क्या होते हैं कर्मचारी जैसे 24 साल 5 महीने 6 महीने पूरे करता है, तो इस केस में अगर इफ़ मोर देन 6 मंथ्स, यानी कर्मचारी ने जैसे 25 साल 8 महीने काम किया, तो आपको उसको 1 साल कंसिडर करना है, यानी कि वो जो 6 माह से ऊपर की अवधि में अगर वो सेवा देता है तो आपको उसको पूरा एक संपूर्ण वर्ष मानना है, 6 महीने से ऊपर। जैसे अगर 24 साल और 3 महीने काम किया तो आप 24 साल ही मानेंगे, लेकिन 24 साल और 8 महीने काम किया तो फिर आप उसको 25 साल कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस मानेंगे। दूसरा देखिए सैलरी किस तरीके से निकलेगी, यहाँ पे सैलरी का मतलब यहाँ पे होगा बेसिक और डीए। अब डीए के आगे इफ़ नहीं लगा, यानी सेवा शर्तों के अनुसार नहीं लगा तो भी, तो इसका मतलब ये है कि अगर बिना सेवा शर्तों के भी डीए होगा तो भी हम उसको यहाँ पे कंसिडर करेंगे। सैलरी क्या होगी यहाँ पे देखिए, लास्ट मंथ की जो सैलरी होगी वो इंटू 15 बाय 26, 15 क्यों, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में 15 दिन का वेतन लेने के लिए आपको बोला गया है, डिवाइडेड बाय 26, 26 इसलिए क्योंकि आपके जो वर्किंग डेज हैं
चार संडे निकालने के बाद आपके 4 डेज निकालने के बाद 26 दिन आपके वर्किंग डेज माने गए हैं इनटू सर्विस पीरियड ईयर, यानी इनटू कर देंगे आप उतने सालों से जितना इन्होंने सर्विस दी है कर्मचारी ने। तो ये तो हो गया आपका ग्रेचुटी एक्ट अकॉर्डिंग टू ग्रेचुटी पेमेंट एक्ट 1972। आइए अन्य के लिए समझते हैं कि जो कर्मचारी इस अधिनियम के तहत नहीं आते हैं उनको किस तरीके से ग्रेचुटी उनके लिए कैलकुलेट की जाती है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर भी वही 3 राशियाँ आपको निकालनी पड़ेंगी, ज़्यादा अंतर नहीं है दोनों में। फर्स्ट पॉइंट का अंतर आप कह सकते हैं, फर्स्ट में लिखा है हाफ मंथ सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। इसका मतलब है यहाँ पे केवल आपको पूर्ण वर्ष ही लेने हैं, आधा वेतन, आधे माह का वेतन। यहाँ पे कहने को तो यहाँ पे भी 15 डेज ही है, लेकिन यहाँ पे 15 डेज के मायने अलग हैं, जो मैंने आपको बताया 15/26 कर दिया। और यहाँ पे हाफ मंथ यानी आधा महीना लिखा है, तो इसमें सैलरी कैसी होगी वो मैं आपको आगे बताती हूँ। फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, यानी पूर्ण जो आप सेवा काल जो पूर्ण किया है, जितनी नौकरी आपने कंप्लीटेड ईयर की करी है, सिर्फ आपको वो ही कंसिडर करनी है। जैसे 24 माह 9 महीने भी अगर काम किया है तो केवल आप 24 साल ही लेंगे, 9 माह को आप इग्नोर करेंगे, चाहे 10 माह हो चाहे 11 माह हो तो भी आपको उसको इग्नोर नहीं करना, केवल आपको जो संपूर्ण ईयर हैं आपको वो ही लेने हैं। नेक्स्ट वही राशि 20 लाख रुपए की, ये भी पिछले 2018 से पहले तक 15 लाख की थी, जो कि अब बढ़ा के सरकार ने 20 लाख कर दिया। और सी पॉइंट वास्तविक प्राप्त राशि, तो देखिए यहाँ पे सैलरी का मतलब होगा एवरेज सैलरी। इससे पहले जो हमने इस ग्रेचुटी पेमेंट एक्ट 1972 में देखी थी उसमें सैलरी हमने बेसिक प्लस डीए ली थी, यहाँ पे अंतर ये है कि हम एवरेज सैलरी लेंगे इनटू हाफ करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमने यहाँ पे हाफ मंथ्स लिखा है, अब हम यहाँ पे डेज नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पे हम जस्ट हाफ कर रहे हैं, इनटू पीरियड ऑफ सर्विस, यानी जितनी की आपने सर्विस दी है। अब देखिए जो यहाँ पे हम सैलरी की बात करेंगे तो सैलरी का मतलब होगा बेसिक प्लस डीए इफ़ के बाद मैंने उसको शॉर्ट में लिखा है, इफ़ का मतलब अगर सेवा शर्तों के अधीन आपको महंगाई भत्ता मिलता है तो, प्लस कमीशन ऑन सेल्स, अगर आप कर्मचारी को किसी प्रकार का बिक्री पे कमीशन मिल रहा है तो वो कमीशन भी यहाँ पे सैलरी का पार्ट बनेगा। तो देखिए ग्रेचुटी के ऊपर एक न्यूमेरिकल से इसको समझिए किस तरीके से सॉल्व होगा, आप लोगों की बुक का इलस्ट्रेशन है। सत्येंद्र एक कर्मचारी है जो ग्रेचुटी भुगतान अधिनियम 1972 में सम्मिलित नहीं है, वह 1 फरवरी 2019 को 20 वर्ष व 11 माह की सेवा करने के पश्चात एक कंपनी से सेवानिवृत्त हुआ है, उसको अपने नियोक्ता से 1,20,000 रुपये ग्रेचुटी के प्राप्त हुए हैं, यानी उसने सेवा दी है 20 वर्ष 11 माह और वह ग्रेचुटी भुगतान अधिनियम में नहीं आता। तो इस केस में जब मैंने आपको बताया था कि माह को इग्नोर करके केवल कंप्लीट ईयर ही आपको लेने, तो यहाँ पे हम ये मानेंगे कि इस कर्मचारी ने 20 वर्ष नौकरी करी है और उसको ग्रेचुटी का कितना प्राप्त हुआ है, 1,20,000। उसका वेतन 30 जून 2018 तक 8,000 रुपये प्रति माह तथा उसके पश्चात 8,500 प्रति माह है, इसके अतिरिक्त उसको 750 रुपये महंगाई भत्ता भी मिलता है, जिसका आधा भाग सेवानिवृत्ति के लाभों की गणना करने हेतु वेतन माना जाता है। अब देखिए चूंकि ये भुगतान अधिनियम 1972 में नहीं आता है और इसको महंगाई भत्ता भी प्राप्त हो रहा है, तो ये हमें लेना है, लेकिन तब कंसिडर करना है इसको, तब वेतन का पार्ट आप मानेंगे जब अगर ये रिटायरमेंट बेनिफिट्स के अंदर आपको मिलता है। तो यहाँ पे 750 का आधा भाग आपको मिल रहा है, तो आप सैलरी कैलकुलेट करते वक्त महंगाई भत्ते का आधा हिस्सा ही लेंगे। ग्रेचुटी की कितनी राशि करमुक्त होगी, आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो देखिए मैंने 3 आपको अमाउंट बताए थे जो कि आपको कैलकुलेट करने हैं ग्रेचुटी की छूट की राशि निकालने के लिए, तो इसमें से 2 पॉइंट्स तो आपको कैलकुलेट नहीं करने होते क्योंकि वो होते हैं, देखिए सेकंड पॉइंट देखिए, आपको एक तो मैक्सिमम अमाउंट जो मिल रहा है 20 लाख का वो आपको एज इट इज़ लिखना है, इसमें कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। थर्ड आपका पॉइंट था एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, यानी आपने जो वास्तविक राशि प्राप्त करी है वो, अब उसमें भी आपको कुछ कैलकुलेट नहीं करना, क्वेश्चन में दे रखा होता है कि आपने 1,20,000 रुपये यहाँ पे प्राप्त किए हैं ग्रेचुटी पे। तो अब आपको कैलकुलेट करने के लिए केवल एक पॉइंट रह जाता है, फर्स्ट वाला। अब क्योंकि ये अधिनियम के तहत नहीं आता है तो आपको हाफ मंथ सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस वाला पॉइंट कैलकुलेट करना है। तो उस केस के लिए मैंने आपको बताया था हाफ मंथ ऑफ सर्विस कैसे लेंगे हम, देखिए मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ ईयर्स कंप्लीटेड 20 वर्ष उसने काम किया है इनटू हाफ करेंगे इनटू एवरेज सैलरी लेंगे, हम एवरेज सैलरी लेंगे। अब सैलरी निकालने के लिए हमें यहाँ पे सैलरी निकालनी पड़ेगी पहले, जो कि मैंने आपको बताई थी कितनी थी, आपको बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन। तो
कमीशन यहाँ है नहीं, यहाँ पे हमारे पास केवल दो चीज़ें हैं, बेसिक और डीए। तो देखिए यहाँ पे बेसिक देखिए इस तरीके से कैलकुलेट कर रखा, एवरेज सैलरी इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज। 10 मंथ्स बेसिक सैलरी, आपको यहाँ पे 10 वर्ष का औसत वेतन निकालना है। लास्ट 10 मंथ्स जो कि कर्मचारी ने काम किए हैं उस दौरान उसने कितना वेतन प्राप्त किया है वो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो देखिए क्वेश्चन में आपको यहाँ पे बोल रखा है कि उसको 8,000 रुपये तो जून तक मिले, तो आप यहाँ पे जून तक लेंगे कितने, 10 मंथ, 8,000 तो जून तक। पहले आप डेट्स देखिए, उसको उसने काम 1 फरवरी 2019 तक उस वो रिटायर हो गया, तो जो हमारा ये साल चालू होगा वो 3 महीने तो आपके पड़ेंगे 8,000 वाले में और बचे हुए 7 महीने पड़ेंगे आपके 8,500 वाले में। तो जब आप इनको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा 83,500। फिर से देखिए, 1 फरवरी को वो यहाँ पे रिटायर हो चुका है, यानी उसने 30 जनवरी तक अपनी सेवाएं दी हैं, और इसका जो हम साल मानेंगे वो 1 अप्रैल से 31 मार्च का मानेंगे। तो अप्रैल से आप गिनेंगे तो इसने जून तक, अप्रैल, मई और जून, 3 महीने तो इसने 8,000 रुपये के हिसाब से प्राप्त किए। तो यहाँ पे वर्किंग नोट में देखिए आपने लिख दिया 8,000 × 3, और जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, यानी 7 मंथ्स उसने प्राप्त किए 8,500 के हिसाब से। ये देखिए यहाँ पे 8,500 × हमने 7 कर लिए, तो जब हम इनको सॉल्व करेंगे, टोटल करेंगे, तो 83,500 इसकी सैलरी आएगी लास्ट 10 मंथ्स की। तो यहाँ पे जो हमें एवरेज सैलरी निकालनी है वो लास्ट 10 मंथ्स की निकालनी है, मैं पहले आपको मेंशन करना भूल गई थी, यानी गत 10 महीने जो कर्मचारी ने वेतन उठाया है वो यहाँ पे आपको कंसिडर करना है। अब क्योंकि ये महंगाई भत्ता भी प्राप्त कर रहा है, तो यहाँ पे आप पिछले 10 महीने में जो उसने महंगाई भत्ता उठाया वो भी आप यहाँ पे लिख देंगे। अब महंगाई भत्ते का केवल आधा पार्ट ही वो सेवा शर्तों के अधीन उसको मिल रहा है, तो 750 का आधा ही हम यहाँ पे लेंगे, तो × 12 करेंगे तो अमाउंट आएगा 3,750। तो टोटल उसकी सैलरी हो जाएगी 87,250। फॉर व्हाट? फॉर कैलकुलेटिंग एवरेज सैलरी। अब देखिए एवरेज का मतलब होता है, ये हमने पिछले 10 महीनों की सैलरी निकाली है, तो हम इसमें 10 का डिवाइड देंगे तो एवरेज हमारी आ जाएगी 8,725। तो यहाँ पे देखिए हमने लिख दिया 8,725, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास अमाउंट निकल के आएगा 87,250। तो अब इन तीनों अमाउंट में से लीस्ट अमाउंट आपको लेना है, तो इन तीनों में से सबसे कम अमाउंट है 87,250, तो ये आपकी छूट की राशि है। इसका मतलब कि 1,20,000 रुपये जो उसने प्राप्त किए हैं उसमें से 87,250 की आपको छूट मिल जाएगी, रेस्ट विल बी टैक्सेबल। तो आपको ये जो वर्किंग नोट शो हो रहा है सेम इसी तरीके से आपको भी वहाँ पे वर्किंग नोट एग्जाम्स में आपके शो करके आना है, क्योंकि जो मार्क्स होंगे वो आपके कैलकुलेशन शो करने पे ही डिपेंड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो आप लिख रहे हैं वो तो डायरेक्ट अमाउंट कैलकुलेट करके लिख रहे हैं, वो आपने किस तरीके से कैलकुलेट किया है वो एग्जामिनर आपके वर्किंग नोट में चेक करेगा। तो आपको हर क्वेश्चन के बाद वर्किंग नोट, आपको क्वेश्चन में आपको वर्किंग नोट मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए इसी के आगे का पॉइंट, यदि उक्त उदाहरण में यह मान लिया जाए कि कर्मचारी को ग्रेच्युटी की राशि ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के अंतर्गत प्राप्य है, तो क्या ग्रेच्युटी की करमुक्त राशि में कोई अंतर होगा? ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो क्वेश्चन अभी हमने किया, अगर ये तो हमने किया कि ये कर्मचारी 1972 वाले एक्ट में नहीं आ रहा है, अब हम ये मान के सॉल्व करेंगे क्वेश्चन कि वो ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के अंतर्गत आ रहा है, तो वही 3 राशि हमें निकालनी है। 3 राशि में से 2, 2nd और 3rd हमें कैलकुलेट नहीं करनी, क्योंकि ये आपको क्वेश्चन में गिवन होती है। पहली तो है अधिकतम छूट की राशि 20 लाख और वास्तविक राशि प्राप्त जो कि है आपकी 1,20,000। तो फर्स्ट पॉइंट आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है, इसमें था आपके 15 डेज सैलरी फॉर ईच ईयर ऑफ सर्विस। अब यहाँ पे अगर 6 माह से अधिक होते हैं तो आपको उसको पूर्ण वर्ष मानना है। तो यहाँ पे देखिए 20 साल 11 महीने थे, तो आप कितना लिखेंगे यहाँ पे, 11 महीने को आप 1 साल कंसिडर कर लेंगे तो यहाँ पे 21 साल हो गए। देखिए तो 15 डेज सैलरी का 15 आ गया, इंटू 21 हो गया, इंटू आपको यहाँ पे निकालनी है सैलरी। अब यहाँ पे के लिए क्या सैलरी होगी, देखिए लास्ट मंथ की सैलरी बस आपको यहाँ पे लेनी है। अगर आपको अधिनियम के तहत ग्रेच्युटी नहीं मिल रही है तो लास्ट सैलरी मतलब पिछले 10 महीनों की सैलरी, लेकिन जब आपको अधिनियम के तहत सैलरी मिल रही है तो सैलरी का मतलब होगा गत माह की, बस केवल हम यहाँ पे 1 माह की को कंसिडर करेंगे। 8,500
प्लस उसमें डीए भी लेंगे, पूरा डीए लेंगे, चाहे वो सेवा शर्तों के अधीन हो चाहे ना हो। तो यहाँ पे देखिए हमने पूरा 750 ले लिया और हम एक माह का ही कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे केवल एक माह का ही अमाउंट आएगा। तो वो रिटायर हुआ 30 जनवरी को, उसने लास्ट सेवा दी, तब तक हमारी सैलरी कितनी हो चुकी थी 8,500। तो यहाँ पे हमने 8,500 ले लिया, 750 डीए का ले लिया, टोटल हो गया 9,250। अब इस 9,250 को हमें किससे डिवाइड करना है, 26 से। 26 क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो वर्किंग डेज हैं एक महीने में, चार संडे के छुट्टियाँ निकालने के बाद हमें 26 मिलता है, ऐसा माना जा रहा है। ऐसा यहाँ पे माना है कि हर महीने में 26 वर्किंग डेज होते हैं, तो यहाँ पे 26 वर्किंग डेज से डिवाइड करेंगे तो आपको पर डे की सैलरी मिल जाएगी 355.77। यानी यहाँ पे आपको जो एवरेज सैलरी लेनी है वो पर डे के अकॉर्डिंग लेनी है, क्योंकि यहाँ पे एक ही मंथ है, एक मंथ में आप 26 से डिवाइड देंगे तो आपको एक दिन की सैलरी यहाँ पे एवरेज मिल जाएगी। तो देखिए यहाँ पे हम फॉर्मूले में आगे लगा देंगे 355.77, तो यहाँ पे आपकी राशि निकल के आई है 1,12,068, यानी 1,12,068। तो अब इन तीनों में से जो न्यूनतम किस्त होगी हम वो ले लेंगे, जो कि आपका फर्स्ट वाला पॉइंट है, यानी कि 1,20,000 में से 1,12,068 रुपये की आपको छूट मिलेगी, बची हुई टैक्सेबल होगी। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि क्या कर मुक्त राशि में कोई अंतर होगा? बिल्कुल अंतर होगा। अगर एक कर्मचारी को ग्रेच्युटी एक्ट के अधिनियम के तहत सैलरी मिल रही है तो उसकी जो छूट की राशि है वो ज़्यादा होगी। देखिए यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में हमें केवल 87,000 की छूट मिली थी और यहाँ हमें 1,12,000 की छूट मिली है। तो आप यहाँ पे लास्ट में, अगर दोनों पॉइंट आपसे एक ही क्वेश्चन में पूछे जाते हैं तो आप यहाँ पे लास्ट में अपना कंक्लूजन लिख कर आएंगे। अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपके ये 4 नंबर का होगा। केवल फॉर्मूला पूछा जाता है, क्या है आपके ग्रेच्युटी एक्ट अधिनियम 1972 का या अन्य का, तो आपसे 2 नंबर में फॉर्मूला पूछ लेंगे और अगर सॉल्व करवाएंगे तो 4 नंबर में दे देंगे। और इनको अगर 20 नंबर में देना है, इसके ऊपर थ्योरी का क्वेश्चन भी बनता है, और अगर ये 20 नंबर में देना चाहेंगे तो आपको एक बड़ा क्वेश्चन दे देंगे जिसमें आपके 2 पॉइंट्स या 3 पॉइंट्स आगे और भी पॉइंट्स ऐड करके ये ग्रेच्युटी इसमें कवर हो जाएगी। इसके आगे हम पेंशन के बारे में पढ़ेंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।